प्रिय सद्गुरुदेव भगवान की, गुरु माता की, भगवान भोलेनाथ की, माता कामाख्या की, सभी संतों की, गौ माता की, बोलिए सच्चे दरबार की, करौली शंकर महादेव की, हर हर महादेव। यात्रा चूंकि गति बहुत ज़्यादा होगी, ध्यान रखें जब 5000 साल पूर्व दरबार आपको ले गया था साधना में उस कालखंड में, तो आपकी गति करोड़ों, अगर शब्दों में कहा जाए तो करोड़ों किलोमीटर प्रति सेकेंड की स्पीड थी जो आप संभाल नहीं पा रहे थे स्पीड को, उस स्पीड से आप लोग गए थे। ये गति उससे भी 10 गुना ज़्यादा तेज होने वाली है। लाइक व्हेन यू हैड ट्रैवल्ड टू 5000 ईयर्स अगो, योर स्पीड वाज मिलियंस एंड मिलियंस। नाउ द जर्नी टू 10,000 ईयर्स बैकवर्ड इज to be much more faster than what it was in 5000 years ago journey. Ta rychlost, když jsme se vraceli 5000 let zpět, byla v milionech, nyní ta rychlost bude mnohem, mnohem větší. It will be at least 10 times, 10x more than what you had earlier. 10krát větší rychlost než předtím. Hum log Dwapar se bhi piche तक यात्रा करेंगे त्रेता युग में, त्रेता की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, लास्ट टाइम द्वापर की यात्रा की थी सब, महाभारत काल का सब देखा था सबने, अब द्वापर की ओर बढ़ेंगे, द्वापर से भी क्रॉस करेंगे। तो सभी लोग अपनी अपनी पोजीशन पे अपना मुद्रा लगा लेंगे, पालथी लगाएंगे। So get ready. Give a smile. Připravte se, úsměv. Little get DCD. अपना ध्यान अपनी नाभि पर और धीरे 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 ऊपर की ओर, नाभि से चेस्ट पर, चेस्ट से माउथ पर, माउथ से नोज, देन फॉरहेड पे, कूटस्थ पर, आज्ञा चक्र पर अपने आप को स्थिर करेंगे। संगीत बजेगा, म्यूजिक पर सभी लोग फोकस करेंगे, ध्यान आज्ञा चक्र पर रहेगा, कूटस्थ पर, एंड टुगेदर विद म्यूजिक पूरा ध्यान, पूरा फोकस म्यूजिक पर रहेगा। संगीत से ध्यान पूरी तरह एकाकार करेंगे, Thank you.
say 3 times Om Namah Shivaya. Rub your both palms together and put on your eyes. Do this 3 times. Then open your eyes slowly, slowly, very slowly, very slowly. अपने आसपास देखे बताएं कौन फंसा हुआ है। इधर पुराने नौजवान तो सब वापस आ गए। कोई फंसा हुआ है सपनी लागे वापस, और कोई रह गया? हाँ वो तो है, पहले से था तो अब स्वस्थ दशा में वहां रहेगा, ध्यान की अवस्था में रहेगा। अभी भी लग रहा है गुरुदेव, एक एक अंग सबका उस युग में छूट गया, सभी का ध्यान की अवस्था में रहेगा। हर चीज पर पल देगा, सूर्य तो था ही नहीं, हर चीज बहुत अच्छा, हर चीज पर पल, तारे धीरे धीरे करके लाल हो गए, रफ्तार बहुत तेज से हरे सुरंग से रफ्तार, आकाश गंगा दाहिने साइड दिखी लेकिन वो उल्टी घूम गई थी, उसकी गति बाएं से एंटी क्लॉक लाइट थे आकाश, और वहाँ पर कुछ दिखा नहीं लेकिन ऐसा फील हो रहा था कि 7-8 तपस्वी लीन है। आवाज आपकी आ रही, आने का मन नहीं, और अभी भी गुरुदेव ऐसा लग रहा है कि यहाँ भी है वहाँ भी है। यस, लाखों वर्षों पीछे चले गए, कई लाख वर्ष पीछे आप लोग गए, बहुत पीछे चले गए। अच्छा है, किसको किसको एक्सपीरियंस हुआ, एक्सपीरियंस किसको किसको हुआ? Experiences. Yes. Kdo z vás měl nějakou zkušenost? Zavrdost. Mají pásy tu Štefa? Mám jednu zkušenost, jestli můžu. A obrázku bylo mnohem méně, ale střídali se tam různé vesměs bojové scény a šlo to až někam do nějakého období doby ledové. Tam to někde končilo. Občas jsem měl pocit, že vidím, jak někoho třeba trefím kijem, a to bylo zvláštní, ale jinak pocit, že pořád strašně rychle, aniž bych to vnímal, viděl kolem sebe, tak strašně rychle někam frčím. A to je asi zkušenost moje. There were many much less pictures than the last time, than the previous time. Most of the scenes I saw, there were fragments of fighting scenes, wars, or just clashes, because as it went deeper, so I had a feeling that I am in an ice age,
And so I smashed someone's head with the club, and then there was something like before, I remember we cut throat of some lady being tied to a tree, and these are just the fragments, but otherwise I had a interesting feeling that I am super fast flying somewhere. I couldn't see it, but I felt it actually. I just felt that I'm being towed somewhere, and I was sweating a lot actually. ऐसा लग रहा था जैसे ये बर्फ के युग में चला गया हूँ, आइस एज में, और देख तो नहीं रहे थे लेकिन ऐसा फील हो रहा था कि बहुत तेज रफ्तार से उड़ रहे हैं, और रास्ते में युद्ध का दृश्य था, इन्होंने भी किसी को पीटा, सर फोड़ा, कूटा कूटा, ये सब होते होते, और ऐसा अनुभव में आ रहा था कि जैसे बिल्कुल बर्फ के युग में हूँ. I have a question about erasing the memory. If it was the same effect as we experienced last time during this traveling to 5,000 years, and now it was a 10,000 years. इनका प्रश्न है कि क्या जैसे पिछले 5,000 वर्ष पीछे जाने पर उस समय के रोग नष्ट हो गए, तो क्या वैसे ही घटना अब भी घटी कि उस युग में जाकर के तमाम रोग और कष्ट नष्ट हो गए? अभी उस प्रक्रिया में नहीं गए, अब वो प्रक्रिया नहीं रही जी. अभी उस प्रक्रिया में नहीं गए. उस युग में इतनी मारामारी नहीं थी. That time that you traveled actually didn't have that much of the problems, and so you were least affected, and so you are not part of that process. Ne, protože nejste součástí toho procesu, protože v tom čase, kam jste cestovali, tam nebyly takové problémy, a takže ne. Kyunki aap 10,000 vrš piche jane ka shabdik arth hai ki aap lakho vrš piche chale gaye. Kai lakh vrš piche chale gaye. तो मारा मारी इतना नहीं था, कुछ नहीं था. दुष्ट भी होते थे और तपस्वी होते थे. वो भी साधक ही होते थे. केवल सोच का फर्क था. संप्रदाय अपने अपने हिसाब से बने हुए थे, लेकिन सब साधक ही थे. सभी साधक थे जी गुरुदेव. ये उस पीरियड में अभी तक अंश अटका पड़ा है गुरुदेव. वो रहेगा, वो तो रहेगा. सभी का है अंश. तो होता ही, जहाँ भी जिस भी युग में जिस भी कालखंड में आपका जन्म होता है, आज से पीछे हजारों लाखों जन्म हुए हैं, सभी जगह अंश तो छूट ही जाता, रहता ही है, सभी जगह रहता है. बस दरबारी करता है जब आपको जिस कालखंड में यात्रा करा देता है, वहाँ पर जिस अवस्था में, ध्यान की अवस्था में यहाँ से गए, तो वो अंश ध्यान की प्रक्रिया में सक्रिय हो जाता है और हमेशा वो ध्यानस्थ ही रहता है वहाँ, तो उसका प्रभाव आएगा. इसीलिए यहाँ बहुत अच्छा अच्छा फील नहीं होगा. बहुत रूखापन सा है. रूखापन है, रूखी रोटी है. यस, यही है, सूखी रोटी. उसका प्रभाव आता रहेगा धीरे धीरे. ये प्रभाव दरबार अभी आपके पीछे कर देगा गुरुदेव. स्टार्टिंग जो हुई थी सफ़ेद गाय का जो केंद्र है वहाँ पर तेजी से इंटर किए थे. सफ़ेद गाय पूरे कुबड़ वाली, मतलब हम उसके केंद्र से यात्रा, सूर्य नाड़ी उसके अंदर घुस करके फिर यात्रा शुरू हुई. ये तो दरबार हमने एक बार का आपको जिक्र किया था प्रसंग का, माता के, कि हमने जब पूछा था बाबा से,
हाँ कि बाबा मनुष्य का जो जन्म हुआ है वो कहाँ से हुआ, पहला जन्म कैसे हुआ वो जो उत्तर दिया था उन्होंने यही कहा था कि मुझे ऐसा लगता है कि गाय के पेट से हुआ, पेट से मनुष्य का जन्म हुआ है, पहले मनुष्य का प्रयाज अनुभव में ही आया। वापसी यात्रा में खूब तेजी से चक्र बने और उसमें अंदर चले गए और उसके बाद फिर पीछे की यात्रा शुरू, क्योंकि आप पूरी मनुष्यता का अनुभव कर पा रहे थे। जी ठीक है ना, तो उसका प्रमाण भी हमको मिला जब हमने बताया कि माँ के गर्भ में जिस जीवाणु से बच्चे का लालन पालन होता है, गर्भस्थ शिशु बढ़ता है, गर्भ में पुष्ट होता है, वो जब बच्चा पैदा होता है तो वो जब माँ के दुग्ध में भी वही जीवाणु होता है जिससे बाहर भी आकर के उसका लालन पालन होता है, जब माँ का दूध पीता है बच्चा उसमें भी वही जीवाणु होता है, और यही जब माँ को दुग्ध नहीं होता तो देसी गाय के दूध में भी यही जीवाणु पाया जाता है। पूरे संसार में केवल एक यही ऐसा जीव है जी गाय, जिसमें वो पोषक तत्व पाया जाता है, जीव पाया जाता है, कि अगर मनुष्य के बच्चे को दूध ना मिले तो देसी गाय के दूध को अगर उसको पिलाया जाता है तो बिल्कुल माँ के ही समान होता है, इसीलिए गाय को माँ कहा गया। आई हैड दिस क्वेश्चन, आई एक्सप्लेन टू गुरुदेव, और इससे ये सिद्ध होता है कि एक्चुअली में मनुष्य का जन्म गाय के ही गर्भ से हुआ, पहले मनुष्य का जन्म गाय के ही गर्भ से, क्योंकि उसमें वो जीवाणु मौजूद है जी आज भी। कि जो के इसमें जो ऑरा का निर्माण किए थे, डिविनिटी का निर्माण किए थे, उसके बीच में से जब तक चलना चाह रहे थे तो गति नहीं पकड़ रही थी, रुके हुए थे, फिर उसको तोड़ना पड़ा और तोड़ने के बाद फिर स्पीड बनी, ये तो कहीं नहीं जा पा रहे थे। उस चीज का उसके ठीक पहले वो निर्मित हो गया था कि चारों ओर पूरे सकारात्मक ऊर्जा, वाइट एनर्जी, उसके घेरे में रह करके आगे की यात्रा नहीं बढ़ पा रही थी, उसको जब तोड़े तब जा करके इस बार जितनी भी यात्रा आप लोगों की हुई एक सुरक्षित घेरे में ले जा करके हुई, इसलिए दरबार जहाँ तक आपको ले जाना चाहिए वहाँ तक ले गया जी, शेल में बिल्कुल उसके पास से फिर वापस ले आया सभी जी। जीवन को यात्रा का जो अनुभव है ये बड़ा अनुभव है, आप सब बहुत ही परम सौभाग्यशाली हैं जो लाखों वर्ष पीछे जाकर के यात्रा करके लौटे, तो वर्तमान ब्रह्मांड में यात्रा करने में कोई दिक्कत ही नहीं, तो बहुत ही सरल है, तो बहुत इजी हो गया। जैसे ग्रेजुएट बच्चे से कहा जाए भाई कक्षा तीन का सवाल हल करिए, इसलिए आपको उस यात्रा कराने का अर्थ इतना ही है कि आप लोग इन नीचे कहीं अटके ही ना, क्योंकि अब आपके पास एक्सपीरियंस बड़ा है, आपके जीवन को जो एक्सपीरियंस है बड़ा है, और जो उस कालखंड में जो अंश है वो सक्रिय है साधना में, तो उसका प्रभाव आता रहेगा, तो बहुत भारी प्रभाव है, उनका प्रभाव नहीं। इसलिए अब जब भी ध्यान करेंगे, आँख बंद करेंगे, बाबा माँ को प्रणाम करेंगे, भोलेनाथ को माँ को प्रणाम करेंगे, जैसे ध्यान के लिए बैठेंगे तुरंत चल देंगे। अभी इसके पहले जब लोग ध्यान साधना करते हैं, परंपरा में करते हैं, दो दो चार चार छः छः महीने लगे रहते हैं, कोई अनुभव नहीं होता, यहाँ इतने तमाम लोग बैठे हैं आँख बंद करते ही तुरंत स्पीड चले गए,
अनुभव शुरू हो जाते हैं सेकेंडों में जी। तो बाबा माँ की कृपा है, पूर्ण गुरु की कृपा है जो सब रास्ते खुले हुए हैं, फटाफट 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 यात्रा चालू जी गुरुदेव। क्योंकि पहला दिन जो 5000 साल की यात्रा हुई थी तो उसमें जो रफ्तार बनी और जो दृश्य बनते चले गए, अलग अलग जगहों से गुजरते चले गए और जस लाख में जाकर जहाँ पहुँचे, अगले दिन जब आपने कराया तो सीधा वहाँ पहुँचे। यस, अब जैसे हम फिर से कराएं पीछे त्रेता युग की यात्रा, आप लाख में ही पहुँचेंगे जी, सीधा सेकेंड में जी गुरुदेव। अभी बात करते करते लग रहा है कि जैसे दो आँखें हैं, हाँ, तो एकाकार कर रही है, एक वहीं पर उसी रफ्तार से पहुँच गया। गुरुदेव एक और चीज हुआ था कि दो चांद, चांद तो सैकड़ों हैं हजारों हैं, वो सुरंग से पहले दो चांद थे, हाँ, एक इधर एक इधर, उस सुरंग से पीछे पहले जो हरा सुरंग था और बहुत रफ्तार में पार होता गया होता गया, पता नहीं कितने करोड़ों मील की रफ्तार रही होगी। हाँ, बहुत स्पीड हो जाते हैं आप लोग, जीवन की यात्रा की गति बहुत फास्ट है, बहुत गुरुदेव उसको अंकों में नापा नहीं जा सकता है, केवल भाषा के रूप में कहा जा सकता है जी। तो जैसे जब द्वापर की यात्रा कराई थी दरबार ने आप सबको, तो पहले दिन जाने में थोड़ा टाइम लगा, पहले दिन में समय लगा, उड़ते उड़ते लगा कि कहाँ जा रहे हैं, उड़ते चले जा रहे हैं, मतलब भयानक गति, जबरदस्त गति, उसमें सवाल उठते हैं ये कहाँ आ गए, कहाँ है ये, क्या है। और जो दूसरे दिन कराया तो तुरंत पहुँच गए जी, तुरंत सीधा सीधा ब्लैक होल पे, तो कालखंड जुड़ गया, सिमट गया, स्पष्ट हुआ गुरुदेव। जैसे ढाल हो इस हॉल की, जिधर ढाल हो आप एक बाल्टी जल डाल दीजिए, जहाँ जहाँ से होके गुजरेगा 10 दिन बाद आइए, उसका निशान पड़ा होगा जी रूट, उसको जाने में टाइम देख लीजिए, वहाँ जहाँ तक आ लास्ट जाएगा पानी पहले दिन उसमें टाइम लगेगा, सपोज हो सकता है 5 मिनट का समय लगे वहाँ तक पहुँचने में, 10 दिन बाद आइए फिर वहीं पानी डालिए, 1 मिनट पहुँच जाएगा थरसा थरसा, क्योंकि वो रूट बन चुका होगा, पानी के निशान बने रहते हैं जी, बिल्कुल पानी का भी निशान बना रहता है, ऐसे ही यात्रा के निशान, जैसे आप कहीं नई जगह जाते हैं तो आपको पहुंचने में हो सकता है 10 घंटे लगे, दोबारा जाते हैं हो सकता है 8 घंटे लगे जी गुरुदेव, बिल्कुल पता रहता है किधर से जाना है, अब चिर परिचित हो गए, हाँ चिर परिचित रहते हैं जी, ऐसे ही साधना पथ एक बार बन जाता है जी तो जीवन के लिए यात्रा सुगम हो जाती है। बहुत बढ़िया, तो कोई दरबार से कोई लोग क्वेश्चन, दरबार के किन्हीं लोगों को क्वेश्चन तो नहीं बन रहा है, आनंद आ रहा है गुरु का, यात्रा ही आनंद की है, आनंद के लिए और आनंद से और आनंद में है यात्रा, जबरदस्त यात्रा, गहन शांति का आनंद करो थे, बिल्कुल। तो सभी लोग ये एक बार अपना आ ऊ मा से करके और फिर साधना में बैठें। एक क्वेश्चन आया उज्ज्वल की तरफ से कि हमने ये नहीं बताया कि अपनी स्मृतियाँ कैसे नष्ट करें, मैंने बताया था कि इसका अभ्यास करा रहे हैं और ये भी बताया, ये नहीं बताया कि ऐसे नष्ट हो गई। आप लोगों ने जो आ ऊ मा का पॉजिटिव एंट्री करके निगेटिव को बाहर किया, यही स्मृतियाँ नष्ट करने का साधन है। बच्चे पूछ रहे हैं जाते हैं, हाँ देखते हैं लेकिन याद नहीं रहता है, मेमोरी तो मेमोरी डिस्ट्रॉय करने के लिए दरबार ले जाता है उस कालखंड में, मेमोरी बनाने के लिए नहीं ले जाता है। किसी को याद नहीं, द्वापर वाली भूल गए, नहीं द्वापर वाली सब भूल गए सब लोग,
त्रेता वाले सब भूल जाएंगे। कभी समय रहा तो सतयुग में ले चला जाएगा। तो वहाँ जो जो आप लोगों ने किया वहाँ की जितनी स्मृतियाँ हैं वो भी नष्ट हो जाएंगी। माँ बाबा और भगवान भोलेनाथ की कृपा आप पे सदा यूं ही बरसती रहे। हरिहर।